देश भर के कई हिस्सों में मानसून के दस्तक के बाद झमाझम बारिश हो रही है। गुजरात में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सौराष्ट्र इलाके में पिछले दिनों हुई भारी और लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। कई नदियां उफान पर हैं, जिससे गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। गलियों में पानी का ऐसा सैलाब आ रहा है कि लोगों के होश उड़ गए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें देखा जा सकता है कि शहर के बड़े हिस्सों में पानी काफी बढ़ गया है। कुछ कॉलोनियों में पानी भरने के कारण गाड़ियां तैरने लगी हैं, जबकि सड़कों का तो बुरा हाल है। जहां सड़कों पर पानी पानी हो गया है और मानो नदियां सड़क पर ही बह रही हों। सड़कों पर लोग चल रहे हैं तो लोगों के कमर तक पानी आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर है। इस वजह से अगले 4-5 दिनों में मध्य और पश्चिम उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 3 दिनों के दौरान गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में भी भारी बारिश की संभावना है। कोरोना के इस काल में लोगों को कोरोना वायरस का बढ़ता खतरा और अब ऊपर से बारिश की मार के चलते दोहरी चुनौती का सामना करना